राम राम से ब्याज फिर मैं भी लोग प्रणाम हूँ। और आज मैं बिलोक बनाने से पहले सबको मैं राम राम कह रही हूँ और सबसे मैं सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और गाढ़ा बनाने के बारे में बता रही हूँ, गाढ़ा कैसे बनाते हैं आज कल खासी दुकान पर, तो इसलिए देखा ही मैं सबके गाय दिया था, इसमें ये इतना पानी डाल दिया और जब ये इतना रह जाएगा ना तब इसको उतार और कई कहती हैं कि जब आपकी वीडियो बस एक ही आती है जब आप निकालते हैं तो एक ही आएगी लिखा पाए ना दाँच मुनकड़े फैमिली उसको उंगली मार दिया तो फिर सारे आ जाएंगे। और ये तुलसी के पत्ते हैं, देखो बहनों ये तुलसी के पत्ते हैं लाल, ये डाल रही इसमें, एक ही काटे से आराम हो जाएगा, दूसरा बनाने की जरूरत नहीं। ये लौंग है तीन से चार, इसमें मैं ये डालती हूँ, इसी का बनाऊंगी गाढ़ा। एक गाढ़ा पीने के बाद खांसी जुकाम बुखार सारा गायब, एक ये मेन चीज हो रही थी। ये देखो इसको पहले धो रही थी, इसको इतने टुकड़ों में काट लो ऐसे, ये कोई नुकसान नहीं करते, बहुत फायदेमंद है हर बीमारी के लिए। मैं इतनी यहाँ बचा दी, इतने ज्यादा हो जाएंगे तो एक ही निकाल, और एक का टपने के बाद दोबारा निकलना पड़ेगा, पैसे थोड़े थोड़े छेद ये उबल जाएगा, गैस चालू कर दी है और ये सारा सामान इसमें ये डाला है, ये बिल्कुल इतना सा रह जाएगा आधे गिलास से आधा, उससे भी आधा, तब इसको खिला दे, कोई पसीना लेने की जरूरत नहीं है इसको, ऐसे ही पी के और फिर भरा कुछ भी करो चाहे अपने आप ठीक हो जाएगा, और नहीं होए तो मेरे को बताना, तो मैं तुम्हें लिख के बताना, तो एक ही का डेसी थी बीमारी थी। जय श्री राम, जय बाबा।